सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सो दोस्तों, अगर आप किसी भी वीडियो में स्काई चेंज करना चाहते हो या स्काई में क्लाउड ऐड करना चाहते हो तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को प्रॉपर तरीका बताने वाला हूं कि किसी को भी यार पता नहीं चलेगा कि भाई ने एडिटिंग की है या फिर मोबाइल कैमरा का कमाल है। और अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो दोस्तों आप ये एडिटिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान है। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सो वीडियो को यार कहीं पर भी मिस ना करें, वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन, आप दिख रहे हो टेक्निकल स्माइल के और निविजी ट्यूटोरियल। तो प्यारे भाइयों, आपके एक लाइक करने से कुछ जाने वाला नहीं है, आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। आप इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप दोस्तों को बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका बता दिया था, कुछ फिल्टर दिए थे, कुछ एडिटिंग के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को स्काई चेंज करने का तरीका बताने वाला हूं, जो बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं, कोई भी बंदा यार कर सकता है, बहुत आसान एडिटिंग है। सो वीडियो को कहीं पर भी मिस ना करें, चलिए मोबाइल के स्क्रीन में जाते हैं और वहां पर मैं आप दोस्तों को मुकम्मल प्रोसेस बताने वाला हूं। सो मोबाइल के स्क्रीन में जाते हैं। हम अपने मोबाइल में आ चुके हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आपको कैपकट एप्लीकेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मटेरियल का सबका लिंक दे दूंगा, स्काई इफेक्ट का भी लिंक दे दूंगा। पर दोस्तों, डाउनलोड करने से पहले वीडियो को प्रॉपर देख लीजिए ताकि आप दोस्तों को तसल्ली हो जाए, आप किसी तरह वीडियो को एडिट कर सकते हो, किसी तरह स्काई चेंज कर सकते हो। प्लस के आइकन पर दोस्तों आपने जाना है और जहाँ पर भी आपकी वीडियो पड़ी होगी उस वीडियो को दोस्तों आपने यहाँ पर इम्पोर्ट कर देना है। सो मेरी वीडियो शायद मेरी यहाँ पर मेरे पास मौजूद ये वाली वीडियो हमारे पास आ चुकी है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये अब ये सिंपल सी वीडियो है हमारे पास आ गई है। इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद दोस्तों याद रहे, आपने ऐसी वीडियो शूट करनी है जिसमें स्काई थोड़ा सा आ जाए, ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल कभी इधर कभी उधर हो जाए तो दोस्तों आपका जो प्रॉपर तरीके से स्काई नहीं आएगा। जिस तरह ये वीडियो शूट है इस तरह आपने कर ले, या फिर स्लोमो में आप वीडियो बना ले तो आपका स्काई प्रॉपर तरीके से आएगा। उसके बाद दोस्तों अपने ओवरले पे जाना है, एड ओवरले पे जाना है। अब जो आपका इफेक्ट है स्काई का उसको आपने इम्पोर्ट कर देना है। सो मेरे पास वो डाउनलोड में पड़ा हुआ है। सो डाउनलोड में मेरे पास ये वाला इफेक्ट है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, इसको बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद यहाँ पर आपको मास्क का ऑप्शन मिल जाएगा, मास्क पे क्लिक करना है, स्प्लिट पे क्लिक कर देना है और इसको थोड़ा सा कर देना है। इस तरह करने के बाद आपने इसको बड़ा करना है, ठीक है दोस्तों। बड़ा करने के बाद दोस्तों ये बड़ा हो गया है, आप फिर से अपने मास्क पे जाना है और इसका एडजस्टमेंट कर देना है। एडजस्टमेंट दोस्तों करने के बाद आपने फिर से टिक मार्क पे क्लिक कर देना है, सॉरी टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद फिर से और ले पे जाना है, एड पे क्लिक कर देना है और फिर से ये एक वीडियो एक बार फिर आपने इंपोर्ट कर देनी है। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप किस तरह आपकी वीडियो देखेगी। यहाँ पर आपकी वीडियो आ चुकी है। अब इस वीडियो को आपने थोड़ा सा इस तरह साइज कर देना है अपनी वीडियो के हिसाब से। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने इसका जो पार्ट है यहाँ पर आपने इसको रिमूव कर देना है ताकि आपके वीडियो के साथ साथ ये भी आ जाए। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपने इस नीचे वाले पार्ट पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। अब यार इसका बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया है, अब यहाँ पर आप अपनी वीडियो का रिजल्ट देखोगे आपकी वीडियो कैसी आ रही है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा जो स्काई है वो प्रॉपर नहीं आया हुआ है अभी तक, तो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाना है और बढ़ाने के बाद आपने फिर से मास्क पे जाना है। मास्क पे जाने के बाद आपने यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक रख देना है, ठीक है। यहाँ से रखने के बाद आपने इसको टिक मार्क कर देना है। यहाँ से आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट का, सो उस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब अपनी वीडियो को अपने हिसाब से स्काई लगा लेना है ताकि आपका जो वीडियो है वो प्रॉपर तरीके से आ जाए। आप अपनी वीडियो का रिज़ल्ट देख सकते हो, आपकी वीडियो का कुछ इस तरह रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये कुछ और लोड हो रहा है तो आपने इसको रोटेट कर सकते हो। रोटेट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देना है। आप अपनी वीडियो का आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हो। तो स्काई कलर दोस्तों, स्काई इस तरह आप लोग ऐड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। आप अपनी वीडियो का रिज़ल्ट देखोगे तो किसी को भी यार पता नहीं चलेगा कि भाई ने किस तरह एडिटिंग की हुई है। सो जस्ट वन क्लिक की मदद से दोस्तों आप इस तरह एडिटिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।